कोबरा 1964। जी हाँ, ये मॉडल है एसी कोबरा 1964 विंटेज कार, जो हम आपको सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं। और इसके साथ ही आप तरह तरह के विंटेज कार मॉडल आप यहाँ पर देख पाएंगे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के इवेंट ऑर्गेनाइजर हिमांशु जागीर, जिससे हम जानेंगे कि किस तरह के आर्ट्स विथ ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर। आपको बता दें कि 100 आर्टिस्ट यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जो तरह तरह से अपनी आर्ट्स का, अपनी कला का वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और कारों के ऊपर वे आर्ट्स करेंगे जो आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। और हमारे साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर हिमांशु जागीर इस वक्त मौजूद हैं, जो आपको पूरी जानकारी देंगे इस इवेंट के बारे में। हिमांशु जी, बताइए कि किस तरह से यहाँ पर जो आपने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है आर्ट्स विद ऑटोमोबाइल्स, जो शायद काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं है, पहली बार ये इवेंट आई थिंक इंदौर में होने जा रहा है। इस तरह का इवेंट अभी तक इंदौर में शायद नहीं हुआ है। तो किस तरह का ये प्रोग्राम है और क्या क्या आपने तैयारियाँ की हैं, कितने आर्टिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह से वे अपने आर्ट्स यहाँ पर दिखाएंगे? तो ये कार्टिस यात्रा 9 जनवरी को जयपुर से स्टार्ट हुई थी और इसके बाद हम लोगों ने इसका पहला इवेंट अहमदाबाद में 11 से 13 जनवरी को करा था और हम अब आपके शहर इंदौर में हैं। मेन मकसद इस यात्रा का है कि ऑटोमोबाइल आर्ट और ऑटोमोबाइल के साथ में जो चीज़ें हैं उनको जोड़ते हुए हम लोग क्या क्या नया नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आर्टिस्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइनर्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ और डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी हम लोग ना बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जैसा भी आपने अभी पीछे देखा, ये जो हिरन बने हुए हैं ये वेस्ट ऑटोमोबाइल पार्ट से बने हुए हैं, ठीक है। और ये जो टेबल देख रहे थे आप पीछे, ये भी हम लोगों ने एक इंजन को खोल के उसको कन्वर्ट टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप ये देख रहे हैं तो दिस इज़ अ डिस्प्ले ऑफ एन एसी कोबरा 1964 विच इज़ बीन रिस्टोर्ड बाई मी। उस साइड में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने एक एम्बेसडर हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की लगा रखी है। और इस गाड़ी को लगाने का मेन मकसद ये है कि एक तो ये ट्राइबल आर्टिस्ट लोगों ने बना रखी है, मधुबनी जो आपके इधर का बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है जो भोपाल में बहुत दिखाया भी जाता है, तो सेंटर है, मतलब ट्राइबल आर्ट का बहुत बड़ा सेंटर है भोपाल में, उसी को प्रदर्शित करते हुए ऑटोमोबाइल को हमने लिया है। तो ये मधुबनी आर्ट पर पूरा काम हुआ है। काफ़ी सारे डिज़ाइंस उस पर दिख रही है, कलरफुल कार लग रही है, वंडरफुल कार लग रही है ये। तो कितने आर्टिस्ट ने मिलकर इसको बनाया है और किस तरह से इसे डिज़ाइन किया, कौन से कलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं? ये क्या ना ट्राइबल आर्ट फॉर्म कहलाती है मधुबनी, उसी मधुबनी को डिपिक्ट करा गया है। ये गाड़ी हिंदुस्तान के सियासत से लेकर रईसों से लेकर आम लोगों को सबको धोया है इसने, एम्बेसडर गाड़ी है ये और कलकत्ता में आज भी ये बहुत चलती हुई दिखती है आपको। इस पे हम लोगों ने मधुबनी आर्ट दिखाया जी, बिल्कुल। तो कितने आर्टिस्ट ने इसको मिलकर पूरी कार को सजाया है, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत की हुई लग रही है इस पे और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वक्त भी लगा होगा इसको डिज़ाइन करने में। ये गाड़ी एक्चुअली हमारे को एक हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, हिंदुस्तान में एक ही ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, उनकी तरफ से हमारे को डिस्प्ले के लिए दी गई है। मेरे हिसाब से इस पे करीब 4 से 5 आर्टिस्टों ने मिलकर काम करा होगा। कौन कौन सी है यहाँ पर अट्रैक्टिव चीज़ें जो आप हमको दिखाना चाहेंगे? और क्योंकि आपने जैसा कि बोला है कि 100 आर्टिस्ट की मेहनत लगी है इस एग्जीबिशन में, तो किस तरह से वो मेहनत की गई है और कौन कौन से कलर्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ क्या है आपकी इस एग्जीबिशन में? जैसे सबसे पहले देखेंगे आप, हमने इंडियन ऑटोमोबाइल को बड़ा रिफ्लेक्ट करा इस बार की यात्रा में। इसमें एक आर्टवर्क बना हुआ है, ये जिप्सी है, मारुति जिप्सी। जैसे ऑटोमोबाइल हिस्ट्री 10-30 साल 36 साल पुरानी है इंडियन के लिए, और हमारे लिए ऑटोमोबाइल को रिलेट करना और आम लोगों से जोड़ने के लिए हमने इधर जैसे ये जिप्सी दिखाई है, हमने इधर एक हेरल्ड को लाए हैं, हमने मारुति कार को बनाया, डिज़ाइन करा है, हमने स्कूटर्स डिज़ाइन करे हैं, हमने कुछ ना बाइक्स डिज़ाइन करी, ताकि जो लोग आम लोग यूज़ करते थे अपने टाइम पे उनका पता चले उनके बारे में हम आर्ट को कैसे ले सकते हैं। जैसे अभी ये देख रहे हैं आप थीम, जैसे हमारी थीम पर ये गाड़ी बनाई है, अभी अहमदाबाद में हमने इसको पेंट करा था, ऐसे आपके इंदौर में भी हम गाड़ी एक पेंट करने वाले हैं, कल आपको पूरी कंप्लीट दिख जाएगी। तो ये भी एक ट्राइबल आर्टिस्ट फॉर्म है, जोगी आर्ट फॉर्म, उन्होंने पेंट करा इसको जी, बिल्कुल। और यहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी इस वक्त नज़र आ रही हैं कार्स के साथ साथ, और एक वंडरफुल कार जो हम जो सबसे डिफरेंट थिंग जिसे कह सकते हैं, क्योंकि ये टायर ट्यूब से कार तो ये नज़र नहीं आ रही लेकिन कार का शेप पूरा पूरा इस पर नज़र आ रहा है। तो क्या टायर्स से बनी ये कार है या कार के ऊपर ये टायर्स लगा दिए गए, क्या कुछ है ये? ये एक पूरा कंसेप्ट है जो हमने अपोलो टायर्स के लिए करा है। द आइडिया इसमें है कि हमने करीब 200 टायर्स इसमें ना इस्तेमाल करें और इसको एक तरह से बीस्ट ऑफ द टायर्स कहते हैं हम लोग कार को, क्यों अब ये कार नहीं रही, अब ये टायर्स के साथ में एक इंस्टॉलेशन बन चुका है
और इसको बनाने में 20 दिन लगे और करीब 200 से ज़्यादा इसमें टायर हमने इस्तेमाल करे हैं। तो क्या एम है आपका इसको बनाने का, किस एम से आपने ये बनाए हैं? और जैसे हमने आपको बताया, कार्टेस का मतलब है आर्ट एंड ऑटोमोबाइल को साथ लाना। उसका मिक्सचर करते हुए हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या संभावनाएँ ढूंढ सकते हैं। तो उसमें से एक संभावना है कि अपने जो वेस्ट टायर्स हैं, अपने जो उसके साथ में कैसे एक इंस्टॉलेशन बन के कैसे एक खूबसूरत चीज़ बन निकल आ सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी सारी पेंटिंग्स भी इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो आर्टिस्ट भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, क्या कुछ खास है इन पेंटिंग्स के अंदर। आप अभी जिस तरह से इस बार की यात्रा का थीम हमारा यूनिटी एंड ऑटोमोबाइल है, तो काफ़ी सारे आर्टिस्टों ने इसको डिपिक्ट भी इसी तरीके से दिख रहा होगा कि आपको ये आर्टवर्क ये अहमदाबाद में बनाए हुए सारे आर्टवर्क थे जिसको हम इंदौर में डिस्प्ले कर रहे हैं। और ऐसे ही अभी इंदौर में कुछ लोग शुरुआत कर चुके हैं अपना काम बनाने के लिए, कल तक ये काफ़ी काम आपको दिखने को भी मिल जाएगा। तो कार्स के साथ साथ यहाँ पर पेंटिंग्स भी हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं। देखिए ये किस तरह से पेंटिंग्स बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे इनसे कि किस तरह से इन्होंने शुरुआत की है। सबसे पहले पेंसिल से स्टार्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? उमेश जांगे। बिल्कुल, तो किस तरह से आप ये पेंटिंग्स की शुरुआत करें, कौन कौन से कलर्स आप इसमें यूज़ करने वाले हैं और क्या बनाने वाले हैं आप इस पेंटिंग में? एक्चुअली मैं कार बनाने वाला हूँ और उसको पूरा अच्छे से प्रेजेंट करने वाला हूँ और उसके बारे में बताने वाला हूँ कि कार क्या है और ऑटोमोबाइल्स नाम के वाला। तो क्या एम है आपका और क्या आपका आगे यही मकसद है, आप पेंटर बनना चाहते हैं या फिर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, और किस तरह से आप आर्ट करने वाले हैं और क्या कुछ आप इसके आगे और क्या क्या डिफरेंट बनाने वाले हैं? ये होता है कि जैसे भी हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर, उसके स्टार्ट होने के बाद में हम पूरी थीम सोचते हैं और कलर को मतलब कलर सोचते हैं हम क्या क्या डालने वाले हैं और सारी चीज़ें सोच जाती है, और एक प्रॉपर हम आइडिया लेते हैं कि क्या मेजरमेंट एंड ऑल, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, तो आपकी पेंटिंग्स में और बाकी सारी पेंटिंग्स में क्या कुछ डिफरेंट है? अभी तो कुछ कह नहीं सकता कि बाकी सबके अभी माइंड में क्या चल रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते। जब ड्रॉ हो जाएगा तब पता लगेगा कि हाँ मैं जो सोचा था वो सिमिलर है कि फिर मैं यूनिक करने की सोचूंगा उनमें। तो हमने आपको दिखाई है कार्टेस यात्रा 2019 जो कि आर्ट्स विथ ऑटोमोबाइल से ये यात्रा है, और कार्टेस यात्रा 2019 में और क्या क्या कुछ डिफरेंट देखने को मिला गया हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कलरफुल कार है, कलरफुल कंटेनर यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ ही कलरफुल एक ऑटो भी आपको हमारे पीछे नजर आ रहा है। उसके साथ ही काफी सारी डिफरेंट थिंग्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, और इसके साथ ही आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। ताज़ातरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।